नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लास सीकर में। आज की जो अपडेट है वो पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को लेके है। लगातार सुबह से मैं 2-3 वीडियो डाल चुकी हूँ उसके अपडेट को लेके। आपको अगर आपका फॉर्म नहीं डाउनलोड हो रहा है तो उसको कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपको टोकन जनरेट करना है उसका वीडियो भी बना दिया है। कंप्लीट आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी अपडेट मैं आज की डेट में आपको दे चुकी हूँ। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने अपनी लिस्ट संशोधित लिस्ट जारी कर दी है। लगभग टोटल 10 जिले ऐसे हैं जिन्होंने संशोधित लिस्ट जारी कर दी है, दोबारा से जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी कर दिया है। जो गलतियाँ आ रही थी उनको रिवाइज करके, आपत्ति आने के बाद उन्होंने रिवाइज कर दिया है। इसके अलावा 5 जिले ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डीवी डेट जारी कर दी है। लगभग जिलों की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 6 और 7 अक्टूबर 2022 को होने वाला है। 1 जिला ऐसा है जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 अक्टूबर से स्टार्ट है। कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्यूमेंट की ये वाला जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से ये फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाने हैं, तो ये सारी डिटेल हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट किन किस किस डिस्ट्रिक्ट ने जारी कर दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उदयपुर। उदयपुर ने ये जो डेट जारी की थी ये 30 तारीख की, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 30 तारीख की अपडेट है। और कार्यालय का ये जो आदेश है, इस आदेश के तहत उन्होंने कहा है कनिष्क लिपि सीधी भर्ती 2013 अंतर्गत विभागीय निर्देशानुसार दिनांक 6/10/2022 एवं 7/10/2022 को दस्तावेज सत्यापन हेतु निम्नानुसार दल गठित किया गया है। कौन कौन से जो विभाग के अधिकारी हैं जो वहाँ रहने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनकी ये लिस्ट आपको जारी की गई है। इसके अलावा उदयपुर ने संशोधित लिस्ट भी जारी कर दी है किन किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनको जाना है उनके लिए ये 30 तारीख की ही डेट में अपडेट किया गया है। आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये 2013 के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी संशोधित सूची एवं कार्यक्रम के संबंध में, तो ये आप यहाँ देख सकते हो कंप्लीट ये सूची इन्होंने दोबारा से जारी कर दी है। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है वो अपना नाम यहाँ देख सकते हैं। ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेस पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इस PDF को, दोनों PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बात रही उदयपुर ज़िले की। अब हम दूसरी बात करते हैं जोधपुर ज़िले की। ये 1 तारीख की अपडेट है जोधपुर की, जो कल की डेट में ये अपडेट आया था कि दस्तावेज, आज आप यहां देख सकते हो दस्तावेज सत्यापन सूचना, इसमें भी आप देखोगे तो आपकी जो डेट रखी गई है ये इन्होंने 6 अक्टूबर 2022 को प्रातः 9 बजे से किया जाएगा। आपने यहां देख रखा है, कंप्लीट डिटेल दे रखी है, इसको मैं उस पर डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी तो आप डाउनलोड कर लेना। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखें तो राजकीय विशिष्ट पूर्व उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर ए शास्त्री नगर लाचू कॉलेज के पास जोधपुर में दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को प्रातः 9 बजे से किया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स को, दोगुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, लगभग आप लिस्ट देखोगे तो लगभग में दोगुना कैंडिडेट को ही बुलाया गया है, तो दोगुना कैंडिडेट को यहाँ बुलाया गया है। और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनका नाम भी इसी लिस्ट के अंदर दिया गया है, तो आप देख सकते हो ये कम्प्लीट डिटेल है यहाँ पर। और इसमें इस लिस्ट के साथ आप देख पा रहे हो तो ये डिटेल भी इन्होंने डाली है, चेकलिस्ट भी डाली है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। ये पूरा फॉर्म इन्होंने डाला है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। हालांकि इसको मैं पहले बता चुकी हूँ ये सबके लिए कॉमन है क्या क्या होना चाहिए, लेकिन जोधपुर वालों ने ये अलग से इस फॉर्म के साथ अटैच करके डाला है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और किस तरह से आपका फॉर्म आपको सबमिट करना है, तो ये सारी डिटेल भी इन्होंने दी है। इसके अलावा अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट कैंडिडेट्स का नाम दिया है, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि किस किस कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। वो कैंडिडेट यहाँ पे टाइम से पहुँच जाए, 9 बजे आपको पहुँचना है
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नागौर ज़िले की। नागौर ज़िले की लिस्ट है ये 29 को ही इन्होंने डाल दिया था, आप यहाँ देख सकते हो 29/9/2022 को इन्होंने अपडेट कर दिया था। और नागौर ज़िले में 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, लगभग ज़िले में 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, लेकिन नागौर ज़िले में आप देख पा रहे हो यहाँ पे इन्होंने लगभग 3 गुना कैंडिडेट्स को हर कैटेगरी में इन्होंने बुलाया है। कौन कौन कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, इन्होंने साथ में ही संशोधित विज्ञप्ति भी यहाँ साथ में जारी की है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि क्रम संख्या जो लिस्ट इन्होंने डाली है, क्रम संख्या 1 से लेकर 223 तक अंकित जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को पहुँचना है 6 अक्टूबर 2022 को, और 224 से लेकर 378 तक के कैंडिडेट हैं उनको पहुंचना है 7/10/2022 को। तो अपना नाम चेक कर लेना, अपनी क्रम संख्या चेक कर लेना कि आपका कहाँ पे नाम आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। यहाँ आपके पास कंप्लीट डिटेल दे रखी है नीचे किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, वो आप अपना नाम यहाँ से इसी लिस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं कि किन किन का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, और आपकी ये जो क्रम संख्या दी हुई है इसके हिसाब से आपको बुलाया गया है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की भी संशोधित लिस्ट आ चुकी है, और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट इन्होंने दी है, ये डेट भी इन्होंने यहाँ पे डाल रखी है। अभी आप देख सकते हो ये जो कंप्लीट लिस्ट है ये इन्होंने डाल रखी है, और इन्होंने यहीं पे साथ में ही इन्होंने दे रखा है कि जिन कैंडिडेट्स को 6 और 7 तारीख का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उन कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे सूची यहाँ पे दी हुई है, किन किन का सिलेक्शन हुआ है और कितने किन किन कैंडिडेट्स को वहाँ पे पहुँचना है, तो ये आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे पहुँच जाना। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर की लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन श्रीगंगानगर की जो लिस्ट है उसके साथ एक और चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे 3 दिन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। पहले दिन जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, आप यहाँ देख पाओगे। तो ये लिस्ट है दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार, और 30/9/2022 की ये लिस्ट है। इसमें इन्होंने डायरेक्ट लिख रखा है कि 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार को प्रातः 10 बजे से 6 बजे तक अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग इन कैटेगरी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो 4 अक्टूबर को ही होना है। उसके बाद 6 अक्टूबर को बाकी जो कैंडिडेट है विशेष पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग का, उनका 6 अक्टूबर को होना है 10 से लेकर 6 बजे तक। इनमें से कोई भी कैंडिडेट रह जाता है तो जो रह जाएंगे उन कैंडिडेट्स का होएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 अक्टूबर 2022 को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर इस डेट पे नहीं पहुंचते हैं कैंडिडेट तो दोबारा उनको अवसर नहीं दिया जाएगा। ये भी इन्होंने इसके अंदर साफ लिखा है कि ये आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं करेंगे, ये इन्होंने साफ साफ पहले ही कह दिया है। तो आपको अपने टाइम से पहुंच जाना है। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लिस्ट आपको दी हुई है, इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लेना, कैटेगरी वाइज आपका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जिन कैंडिडेट्स को जहाँ पहुँचना है वो यहाँ से अपना नाम चेक करके, कैटेगरी चेक करके और टाइम से पहुँच जाना है। उसके ये 5 जिले थे जिनका DV डेट भी जारी कर दिया है। एक श्रीगंगानगर जिले के कैंडिडेट्स का 4 अक्टूबर को होने वाला है, बाकी सबका 6 और 7 अक्टूबर को ही हो रहा है। इसके अलावा बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे कोटा डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने अपनी रिवाइज लिस्ट डाल दी है किन किन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 2 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं, ये रिवाइज लिस्ट आपकी यहाँ पे आ चुकी है, रिवाइज कट ऑफ भी यहाँ पे आ चुकी है, तो आप अपनी रिवाइज कट ऑफ यहाँ से चेक कर सकते हो, रिवाइज लिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। ये है कोटा ज़िले का। धौलपुर ज़िले ने भी अपनी रिवाइज जो कट ऑफ है वो दोबारा से जारी कर दी है, और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए दोबारा से लिस्ट इन्होंने भी जारी कर दी है। तो ये है धौलपुर ज़िले की सूची जो रिवाइज लिस्ट वेटिंग लिस्ट दोबारा से जारी हो गई है।
इसके अलावा भीलवाड़ा ज़िले की भी वेटिंग लिस्ट है, वो भी दोबारा से जारी हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी भी रिवाइज लिस्ट आ चुकी है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ की भी रिवाइज लिस्ट जारी हो चुकी है और पाली ज़िले की भी रिवाइज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, लेकिन पाली चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा और धौलपुर इन डिस्ट्रिक्ट की अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट नहीं आई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट जैसे ही आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की वहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है, जो भी रहा हो वो आप वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे के जितने डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं उनकी अपडेट और आपके एग्ज़ाम से इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड या इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको शारदा क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पे आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें और यूट्यूब को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें इसी प्रकार की अपडेट देखने के लिए। अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। Thank you so much friends for watching this video.